जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि COVID-19 एक पैंडेमिक है और इससे भी पहले काफी पैंडेमिक्स आ चुके हैं जिससे ह्यूमन स्पीशीज के एग्जिस्टेंस का भी खतरा बना है। कई बार हमारे हेल्थ सिस्टम उस पैंडेमिक से लड़ नहीं पाते जिसकी वजह से बहुत सारी कीमती ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हो जाता है। और जब भी कोई नया पैंडेमिक आता है तो सबके मन में एक ही सवाल आता है कि ये पैंडेमिक कब ख़त्म होगा। तो चलिए जानते हैं किसी भी पैंडेमिक ख़त्म होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी भी पैंडेमिक को ओवर तभी डिक्लेयर करता है जब पूरी दुनिया में रेट ऑफ ट्रांसमिशन और मॉर्टैलिटी रेट में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो इससे पहले जानते हैं कि जब कोई भी पैंडेमिक आता है तो गवर्नमेंट के पास कौन कौन से तरीके होते हैं उसे लड़ने के लिए, और उन सभी तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे रेलेवेंट है। तो बेसिकली किसी भी पैंडेमिक से लड़ने के लिए गवर्नमेंट के पास तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट, रेस थ्रू इट। सेकंड, डिले एंड वैक्सीनेट। थर्ड इज कोऑर्डिनेट एंड क्रश। तो चलिए जानते हैं इन सभी के मेरिट्स और डीमेरिट्स। फर्स्ट, रेस थ्रू इट। इसमें गवर्नमेंट वायरस को स्प्रेड होने से बिल्कुल भी नहीं रोकती है, बल्कि गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि ज़्यादातर लोग इससे जल्द से जल्द इन्फेक्ट हो जाएं। इसमें डॉक्टर्स को वायरस की स्टडी करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है जिससे वो अपने मेजॉरिटी पेशेंट्स की जान नहीं बचा पाते। पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो जाता है जिससे लाखों करोड़ों लोगों की डेथ हो जाती है, या तो इन्फेक्शन की वजह से या तो हेल्थ केयर सिस्टम के कोलैप्स होने से। बहुत जल्द ये मेजॉरिटी के लोग न्यू वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं जिससे या तो उन लोगों की डेथ हो जाती है या फिर वो लोग बच जाते हैं जिन्होंने इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली होती है। और एक पॉइंट पे आकर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है जिसका मतलब वायरस को फिर कोई नया होस्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वायरस खत्म होने लगता है और पैंडेमिक सिचुएशन एंड होने लगती है। पर एक और अच्छा तरीका है वायरस की ग्रोथ को स्टॉप करने का, वो भी बिना इतने ज्यादा कैजुअल्टीज के, वो है डिले एंड वैक्सीनेट। चलिए समय पीछे जाते हैं जब WHO ने पैंडेमिक को डिक्लेयर किया था। इस बार गवर्नमेंट वायरस के स्प्रेड को स्लो करने की कोशिश करती है जिससे कि डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट को रिसर्च करने का टाइम मिल जाए। गवर्नमेंट इस कीमती टाइम का यूज टेस्टिंग करने में लगाती है जिससे कि इन्फेक्टेड लोगों का पता चलता रहे और लोगों को क्वारंटीन किया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद वायरस धीरे धीरे फैलता रहता है और कहीं कहीं ये आउटब्रेक का रूप भी ले लेता है जिससे कई लोग दोबारा इन्फेक्ट हो जाते हैं। पर कुछ जगहों में वायरस कंट्रोल में रहता है जिससे कि कुछ बिजनेसेस ओपन हो सकते हैं और लोग सावधानी बरतते हुए बाहर भी जा सकते हैं। ऐसा तब तक होता है जब तक कि कोई नया केस नहीं आ जाता, और फिर अगले कुछ सालों में होपफुली एक या एक से ज्यादा वैक्सीन बन सकती हैं। एक बार 50-90% पॉपुलेशन को वैक्सीन मिल जाए तब WHO ये डिक्लेयर कर सकता है कि पैंडेमिक ओवर हो चुका है। नेक्स्ट तरीका है कोऑर्डिनेट एंड क्रश का। चलिए समय में एक बार फिर से पीछे जाते हैं जब WHO ने पैंडेमिक डिक्लेयर किया था। इसमें करना वही होता है जो नॉर्मली पैंडेमिक के समय किया जाता है, जैसे कि लॉकडाउन करना, कंटेनमेंट जोन्स बनाना और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाना। बस इन्हीं सब के साथ एक और चीज ऐड हो जाती है जिसमें हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने ज्यूरिसडिक्शन के जगह पूरे वर्ल्ड को एज अ होल ट्रीट करती है और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और कोऑर्डिनेशन की हेल्प से वायरस के स्प्रेड को धीरे करती है और वैक्सीन बनाने की तैयारी सभी कंट्रीज के साथ मिलकर करती है। इसके पीछे बेसिक आइडिया यही है कि गवर्नमेंट सिर्फ अपने अपने सिटीजन्स को सेव ना करे बल्कि पूरे अर्थ को एज अ होल ट्रीट करते हुए बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर काम करे। और अगर इसे प्रॉपरली हो जाता है तब ये पैंडेमिक सिर्फ कुछ ही महीनों में खत्म हो सकता है, वो भी बिना ज्यादा कैजुअलिटीज के। तो आप लोगों को इन तीनों ऑप्शन में से सबसे सही तरीका कौन सा लगा?
डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से कौन सा तरीका सबसे रेलेवेंट है। एक बार तीनों तरीकों को शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट, रेसिंग थ्रू इट। इसमें वायरस जल्दी ख़त्म हो सकता है, बट इससे काफ़ी लोगों की जान जा सकती है जो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी। और अगर लोगों को सेम वायरस दोबारा इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दे और लोगों में कोई इम्यूनिटी नहीं बनी, तो इसमें कितने लोगों की जान चली जाएगी इसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सेकेंड, कोऑर्डिनेट एंड क्रश। पर ये सिर्फ तभी काम कर सकता है जब पूरी दुनिया की गवर्नमेंट साथ में प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रोटोकॉल ही चले, जो कि लगभग नामुमकिन है। और इसलिए डिले एंड वैक्सीनेट सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, जो कि स्लो पर कम रिस्की तरीका है। और भरोसा रखिए दोस्तों, ये पैंडमिक ख़त्म हो जाएगा। ह्यूमंस ने पहले भी बहुत सारी महामारियों का सामना डट कर किया है और उन पर विजय पाई है, और इस महामारी पर भी पा लेंगे। अगर हम अपनी पास्ट की गलतियों से सीखते रहें और हमारी उपलब्धियों को याद करते रहें, तो हम ऐसी कई महामारियों को बिना एक भी जान गंवाए रोक सकते हैं। बस इसी के साथ आखिर में यही कहना चाहूँगा कि माहौल भले ही ख़राब है, लेकिन हालात ख़राब नहीं हैं। घर में रहिए, घर वालों से नज़दीकी बढ़ाइए और अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।